खुद तुमने उसे भगा दिया, मैं उसका। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं कि तुम्हें उसका नहीं होना था और तुम उसकी हो भी नहीं। अब मुझे ये बताने की कोशिश मत करना कि मैं गलत हूं। मैंने उसे कहा कि मुझसे दूर है, मेरे नजदीक ना आए, मैंने उसे मुझसे दूर जाने के लिए कहा। हाँ, क्योंकि तुम खुद को किसी और के करीब महसूस करते हो। तुम किसी और के हो और तुम्हें उसी का होके रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं, तुम्हारा होना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है। सही कहा था दक्ष ने, बिल्कुल सही कहा था। तुम वो क्या कहते हैं ना, कले पड़ने वाली वो जड़ प्लेटी स्टॉकर, स्टॉकर हो वानी, तुम बला हो, बला बला हो एक्चुअली। ये क्या कर रही हो, दूर हटो। ये देखो, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे मेरे कंगन का लेके घूम रहे हो। ये देखो राजू, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। चाहे कुछ भी हो जाए ना, तुमसे मेरी कोई ना कोई चीज जुड़ी जाती है। एक मिनट प्लीज, नहीं मेरी, यहाँ शांति से बैठो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं वाकई तुम्हारी बीवी हूँ। बकवास बंद करो अपनी। बीवी माय फुट, मुझे दूर आओ, दूर आओ मुझे। ये बकवास मत करो मेरे सामने प्लीज। मैंने कहा ना, तुम स्टॉकर हो, ब्लडी स्टॉकर, कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक स्टॉकर हो, कुछ नहीं। तुम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो, ये तुम दिल से नहीं बोल रहे हो। प्लीज प्लीज अभी यहां सुने प्लीज, मत या सुने। क्यों? मुझे आंसू बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लगते। क्यों? प्लीज प्लीज रो मत। तुम्हें बुरा लगता है जब मैं रोती हूँ? तुम्हें तकलीफ होती है जब मैं रोती हूँ? हाँ, तुम्हें गलत लगता है ना जब कोई कोई ऐसी पराई लड़की तुम्हारे करीब आती है? तो ये सब मैं जानती हूँ। आज जब आज रात को जब तुम गाड़ी मेरे सामने से लेके गए और मैं रो रही थी, तो तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें तकलीफ हुई मेरा, तुम जानते हो। और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, यही सच है। ये तुम महसूस करते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। You love me. Don't touch me. मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा प्यार हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो। नजरें मत हटाओ। नजरें मत हटाओ। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। मेरी आंखों में तुम्हें सच दिख जाएगा, जिसे तुम मानना नहीं चाहते। मेरी तरफ देखो एक बार, मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। ये प्यार का सवाल है हमारे, मैं नहीं हार मानने वाली। मैंने कहा मुझे क्या छोड़ दो, कहा मुझे क्या छोड़ दो। चोट लगी है, मैं जा रही हूं। रुको, बैठो बैठो। क्या हो गया?
फोटो का है, फोटो दिखा। चुप करो, सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, सब गड़बड़ हो चुकी है, पता नहीं किसने किया है सब। लाइट क्यों चली गई? ऑन करो। ओ नहीं, ये तो फरिश्ता है। ये कहां गया? पंकी भाग, रुक जाओ, जो जहां है वहीं थम जाओ। ये क्या कर रहा है? क्या करूं मतलब? चुपचाप बैठी रहो। मैं चाहूं तो अभी के अभी ये घाव भर सकती हूं, लेकिन तुम मुझे भूल चुके हो। इसे मैं तुम्हारे आगे अपने पुराने रूप में नहीं आ सकती। ये नहीं वीरांशु, वीरांशु का ओ, तो ये वीर के पीछे है, उसे ढूंढने जा रहा है। फिर तो बाढ़ में गया मेरा प्लान। इस फरिश्ते का पीछा करता, ये खुद ही पानी का सब कुछ तबाह कर देगा। मेरी परवाह है तुम्हें कि मुझे चोट आई है? सबका मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस बचो। तुम्हें खुद को नहीं बचाना क्या? मेरे पास शक्ति है, मुझे कुछ नहीं होगा। हमें तुम्हें कुछ होने नहीं होगा। कोई भी नहीं है, यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है। गड़गड़ाहट की आवाज मैंने खुद सुनी थी। फिर पानी कहां गायब हो गया? अरे फरिश्ता पता नहीं कौन क्या। अरे ये म्यूजिक किसने बंद किया? ऑन करो। इसे तो मैं बताता हूँ। सुन, जय हमसे कुछ कह रहा था ना? हाँ, वो कुछ कह तो रहा था कि प्लान फ्लॉप हो गया है, उसके बाद और पता नहीं क्या कह रहा था वो। पानी वीर अपने कमरे में नहीं है, जल्दी आओ, कम ऑन, चलो। वीरांचो, 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 प्लीज, वीरांचो, प्लीज अपनी आंखें खोलो, वीरांचो।
निराश, बहुत निराशा हुई तुम्हें यहाँ पे देख के आधी नाके। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुम्हारे इस चील को धूल चटा दी, वो भी तुम्हारे इसके साथ रहने के बावजूद। और अब मैं वो बदला लूंगा जो असल में तुम्हें लेना था सालों पहले। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई हूँ कि वीरांशु बुरा नहीं है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्योंकि ये वो आदि नागिन नहीं बोल रही जो कभी नागवंश की रखवाली थी, जो तेज थी, निडर थी, हिम्मत वाली थी। ये आदि नागिन तो चीलों की चौकीदार बन चुकी है, जो एक चील से प्यार करके दीवानी की तरह इधर उधर घूमती रहती है। हाँ आदि नागिन, तुम अपने हाथों अपने नागवंश का विनाश कर रही हो।